हेलो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो हम बना रहे हैं वो है हिस्टोपैथोलॉजी का सेक्शन काटिंग रिलेटेड वीडियो। हिस्टोपैथोलॉजी में सेक्शन काटने के लिए काटने के टाइम बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। वो प्रॉब्लम हम लोग जब काटते हैं सेक्शन तो उस टाइम हम लोगों को होता है। तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है, वो जो प्रॉब्लम सेक्शन काटने का जो प्रॉब्लम होता है उसको कहते हैं इम्प्रॉपर सेक्शन। सेक्शन ठीक ठाक से नहीं आता है तो उसको क्या, वो कैसे कैसे होता है, थिक थिन होता है, कभी कभी पैरेलल सेक्शन में पैरेलल लाइन हो जाता है, सेक्शन क्रैम्प हो जाता है, तो ये सारा प्रॉब्लम होता है। तो ये प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, भाई ये सब प्रॉब्लम कैसे होता है, क्यों होता है, तो ये सब लेकर एक तो वीडियो बना है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज एक तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट जरूर कर दीजिएगा क्योंकि हमको आप लोगों से फीडबैक लेना जरूरी है कि हम ठीक ठाक से ये वीडियो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारा जो बोलने का जो एक्सप्रेशन है, जो सब्जेक्ट हम बोल रहे हैं वो ठीक ठाक आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमको जानकारी चाहिए। तो आप लोगों को कमेंट का इंतजार में हम रहेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो सेक्शन सेक्शन है, यहाँ पर जो कलर बना है सेक्शन है, एक कॉज है और एक करेक्शन है। तो सेक्शन काटने के टाइम में क्या पहला जो प्रॉब्लम होता है वो है सेक्शन। सेक्शन ठीक है थीन हो जाता है, ठीक है थीन हो जाता है, मतलब कई कई सेक्शन ठीक होता है, कई कई थीन होता है। तो उसका कॉज क्या है, इनसफिशियंटी ऑफ द नाइफ, मतलब नाइफ का जो कटिंग एज और वो जो आपका ब्लॉक का जो कटिंग एज, वो जो उसका जो एंगल है वो एंगल 5 to 8 degree में होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होने से हमको वो थिक एंड थिन सेक्शन मिलेगा। तो ये करेक्शन करने के लिए क्या क्या दरकार है, ये एंगल 5 to 8 degree होना चाहिए। सेक्शन करने का भी देखा जाता है सेक्शन में पैरेलल लाइन हो जाता है, सेक्शन ठीक ठाक से नहीं होता है, तो इसके लिए कारण क्या है, इसके लिए रीजन है हार्ट टिश्यू हार्ड हो गया और नहीं तो नाइफ का टिल्ट ठीक ठाक से नहीं है। तो ये हम लोग कैसे करेक्शन करेंगे, ये जो टिश्यू हार्ड हुआ इसके लिए क्या करना है, टिश्यू सॉफ्टनर मिलता है मार्केट में, वो देने से टिश्यू सॉफ्ट हो जाता है, तो इसको मोलिफिक्स कहते हैं। और एंगल हम लोग को ठीक करना होगा, मतलब 5 to 8 degree में रखना पड़ेगा। सेक्शन कभी कभी देखा जाता है रोल हो जाता है, वो रोल होके ब्लॉक के ऊपर चला जाता है, नहीं तो वो नाइफ के नीचे चला जाता है। तो ये तो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्यों होता है, ये प्रॉब्लम होता है ब्लैंक नाइफ एक नंबर कारण है, दो नंबर कारण है और जो नाइफ का जो कटिंग एज है उसका टिल्ट ठीक ठाक से नहीं है, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब वो जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन में तो इलेक्ट्रिसिटी तैयार होता है, उसको कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमको कैसे सॉल्व आउट करना होगा, ब्लैंड नाइफ को हम लोग साफ करेंगे, टिल्ट जो ठीक नहीं है वो हम लोग 5 to 8 degree कर लेंगे, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हटाने के लिए क्या करना होगा, बॉयल वाटर साइड में रखना पड़ेगा, तो बॉयल और मॉइस्चर में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। सेक्शन क्रैम्पेड हो जाता है, मतलब सेक्शन टूट जाता है, तो सेक्शन क्यों टूटता है, नाइफ अगर ब्लैंड रहेगा तो टूटेगा, वॉक्स सॉफ्ट रहेगा तो टूटेगा, और डिहाइड्रेशन क्लियरिंग प्रोसेस ठीक ठाक नहीं होगा तो टूटेगा। तो ये सॉल्व करने के लिए, करेक्शन करने के लिए क्या 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 करना होगा, नाइफ को शार्प करना होगा, वॉक्स जो सॉफ्ट वॉक्स है वॉक्स में हम लोग आई सप्लाई करेंगे, आई सप्लाई करने से क्या होगा वो हार्ड हो जाएगा वो थोड़ा टाइम के लिए। डिहाइड्रेशन अगर ये सब ठीक ठाक नहीं हुआ तो डिहाइड्रेशन क्लियरिंग करने के लिए हम लोगों को प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर रिबॉन ठीक ठाक से नहीं हुआ तो रिबॉन देखा जाता है कभी कभी रिबॉन नहीं होता है, तो उसके लिए कारण क्या है, पैराफिन टू हार्ड हो अगर हो तो नहीं होगा, टिल्ट ठीक नहीं है तो ठीक होगा, टिल्ट ज्यादा हो जाएगा तो ग्रेट माने बेसी होगा तो रिबॉन नहीं होगा। ठीक सेक्शन मतलब जब हम लोग ट्रिम किया था वो 10 to 15 micron का जो थिकनेस गेज हम लोग सेट करके रखा था, हम लोग वही गेज से हम लोग रिबॉन कट रहे हैं सेक्शन काट रहे तो नहीं होगा, आज ब्लैंड है। तो ये सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, पैराफिन जो 60 से लेकर 62 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट वो वाला पैराफिन हम लोग यूज करेंगे, हम लोग गैस
थिकनेस वो जो हम लोगों का स्विच है वो हम गेज ऑपरेटिंग नॉब से हम लोग गेज ठीक करके रखेंगे। 3 to 4 माइक्रोन में हम काटेंगे, हम लोग काटेंगे सेक्शन काटेंगे, नाइफ को शार्प करेंगे। सेक्शन क्या होता है, ये काटने के टाइम में क्या होता है, वो लिफ्ट माने ऊपर उठ जाता है, माने सेक्शन ब्लॉक के ऊपर या नहीं तो नाइफ के नीचे चला जाता है। तो इसका कारण क्या है, नाइफ का एज में अगर कोई दांत दांत ही रहेगा, मतलब वो सेक्शन काटने के बाद क्या होता है, छोटा छोटा पैराफिन की टुकड़ा क्या होता है, नाइफ का एज में रह जाता है, तो इसलिए वो ऊपर चला जाता है। नाइफ का टिल्ट ठीक ठाक से नहीं है तो होता होगा ब्लंट नाइफ, नाइफ ब्लैंड होगा तो ये सेक्शन ठीक ठाक से नहीं है। तो इसमें क्या कैसे हम लोग ये सॉल्व करेंगे, अगर नाइफ के एज में जो डार्टी पैराफिन है वो कैसे हम हटाएंगे, वो जाइलिन से हटाएंगे। जाइलिन क्यों, क्योंकि जाइलिन पैराफिन में डिजॉल्व होता है। टिल्ट 5 to 8 डिग्री करेंगे, अन्य शार्प करेंगे। थैंक यू दोस्त, थैंक यू फ्रेंड।